दोस्तों, आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये है रामेश्वर टेम्पल। ये जो हमारे चार ज्योतिर्धाम और चार यानी क्या कहते हैं तीर्थ स्थल है ना, उसमें से एक पार्ट है। और इसमें एक हमारा क्या कहते हैं कहते हैं जो 11 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। देखो नॉर्मली क्या है, मुझे सुबह इतना जल्दी उठने का आप सभी को मालूम है आदत नहीं है, बट आज इस टेम्पल पे जाने के लिए मैंने सुबह आज फिर से दोबारा बहुत जल्दी उठा हूँ, जो मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साउथ में कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें ख़राब भी हैं। अच्छी चीज़ आप ये कह सकते हो, नॉर्मली क्या है, यहाँ पर जो आपको टेम्पल पे जाना होता है तो आपको ट्रेडिशनल क्लोथ्स वेयर करने होते हैं। आप जैसे नॉर्मल निकर्स ये सब पहन के जाते हो ना, वैसा आप नहीं कर सकते हो। अगर आप वैसा करोगे तो आपको टेम्पल में जाने नहीं दिया जाएगा। बट साउथ में सबसे इम्पोर्टेंट है, उन्होंने हमारी जितने भी पुरानी यानी धरोहर हैं उन्हें संभाल के रखा है, स्पेशली टेम्पल। वहाँ पर जो पूजा होती है ना, जितने वेल मैनर पे ऑर्गेनाइज होती है, मुझे नहीं लगता और कहीं उस तरीके से वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। इवन आपने मूवीज़ में भी देखा होगा उन लोगों ने कितना इन सारी चीज़ों को संभाल कर रखा है। टेम्पल तो बहुत सुंदर है बाहर से ही इतना है। और ये कैसा है, रामेश्वरम जो टेम्पल है ना दोस्तों, ये पूरा चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, इसमें चारों तरफ समुद्र पे। आपको याद होगा जब मैं लास्ट टाइम सोमनाथ गया था, वहाँ पर भी कैसा था, एक ज्योतिर्लिंग थी हमारी, वैसे ही यहाँ पर भी हमारी ज्योतिर्लिंग है। बट ये क्या है, हमारे जो चार तीर्थ स्थल हैं मेन वाले, ये उनमें से, अभी जैसे मैंने आपको ये गेट दिखाया ना, तो ऐसे इसके चार गेट्स हैं जिनके थ्रू हमको अंदर जाना होता है। बट कैमरा लेके अंदर नहीं जा सकता, जो नॉर्मली मालूम है आपको। और यहाँ चारों तरफ से ना सुबह से ही कैसा होता है, शॉप्स पूरी ओपन हो जाती हैं। इन लोगों को मालूम है कि यानी टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा है, बहुत सारे लोग आएंगे। तो मैंने सुबह थोड़ा अर्ली इसलिए उठा था कि ये सारी चीज़ें कैप्चर करूँगा, बट टेम्पल तो मैं दर्शन करके आ जाऊँगा वो आपको कैप्चर नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि वो चीज़ों को उन्होंने थोड़ा संभाल के रखा है। आपको पता है अंदर फोटो या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। बट हाँ, मैं आज जो आपको बाहर घूमूंगा, जैसे यहाँ पर जो दूसरी प्लेसेस है वो आपको कवर करके दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो पहले आप जल्दी से, मैं आज टेम्पल के दर्शन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ कैसा है, 22 अंदर क्या है ना, अलग अलग कुएँ हैं जिसके पानी आपको क्या कहते हैं डालते हैं वो लोग, जो मान्यता है, जैसे क्या जितने भी आपके पाप हैं ये भी जो सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो चलो पहले मैं उसको ख़त्म करता हूँ, वो सारी चीज़ें जो जितने भी स्पिरिचुअल्स हैं, जल्दी से जल्दी करता हूँ और देन फिर वापस आपको बाहर आके मिलता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने जितना मैंने सुना था चीज़ें उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग टेम्पल पे आज विजिट किया है, बट जैसा आप सभी को मालूम है साउथ में कैसा है कि जो मोस्टली टेम्पल है वहाँ पर मोबाइल से सब जाना लेकर हमें अलाउ नहीं होता, तो वो वाला वीडियोस तो इसमें नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर जो आपका आपने राम सेतु सुना होगा ना, तो अभी जो मेरे आप पीछे बैक साइड देख रहे हो ना दोस्तों, ये मेरा राम सेतु का ही सीन है, जहाँ पर जो अपना क्या कहते हैं राम भगवान ने क्या कहते हैं पत्थरों के थ्रू ब्रिज बनवा कर गए थे ना, तो ये वही पॉइंट है। आप देख पा रहे होंगे सामने पे, वो इन्हें उतना क्लियर विजिबल नहीं होता है जैसा ड्रोन शॉट होता है उसमें ना, तो वो चीज़ें क्लियर विजिबल होती है, बट बाय आइज थोड़ा बहुत विजिबल है, आप देख सकते हो। इसमें कहा था ना कि अगर आप राम लिख के स्टोन को पानी पे डालते हो तो पूरा फ्लोट करता है, तो ये वो पॉइंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है दोस्तों, ये जो हमारा इंडिया पे रोड है ये उसका एंड पॉइंट है, इसके आगे कोई भी रोड नहीं है, यानी ये लास्ट पॉइंट है। अगर आपको इसके थ्रू अगर कहीं जाना है तो आपको बाय शिप वाटर के थ्रू होके जाना पड़ेगा, रोड नहीं है। तो खूबसूरती देखिए आप कितना है। तो ये भी मोस्टली मेरा फैमिली ट्रिप है, मम्मी पापा सब सबके साथ में, और सबसे स्पेशल हमारे लिए हमारी आना जो हमारे साथ हमेशा रहती है। ये देखो अभी भी सेल्फी लेके मजे ले रही है, आ जाओ। ये देखो, तो आज यहाँ पे क्या है, हम यहाँ के टेम्पल से सारी चीज़ें हैं जो उसको ही कवर करेंगे, और जो यहाँ की बीच की खूबसूरती है आपको वो एक्सप्लोर करवाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा पीछे का इसका बैक करके वो दिखाता हूँ, आप देखना कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है। दोस्तों आप ये जो देख रहे हो जो गाड़ियाँ हैं ना, बस इसके आगे और ये जो आपको एक स्तंभ दिख रहा होगा ये वाला, यही रोड है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सीधा आपको समुंदर का ये एंड पॉइंट है, और जो नीला समुंदर होता है ना इतना सुंदर लगता है। ये देखिए पानी की जो लहरें हैं, हाँ समुंदर की जो लहरें होती है उसकी जो वेव्स है ना, बहुत मज़ा आता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा।
हमारी आना थक गई है बेचारी। देख रहे हैं सामने, ये हमारा क्या है, पुराना धनुषकोटी टेम्पल है। एक्चुअली जो यहाँ पे क्या है, पहले यानी वेव से सारी चीज़ों के कारण ये डिस्ट्रॉय हो गया था ओवरऑल, तो ये फिर से इन्होंने दोबारा क्रिएट किया हुआ है। और जो मैंने अभी आपको इससे पहले दिखाया था वो इसकी जगह इन्होंने न्यू एंड पोर्शन पर बनाया हुआ है। इससे पहले जो था ना वो हमारा एंड पॉइंट यही था जहाँ पर हमारी लास्ट रोड मिला करती थी। तो यहाँ पर इन लोगों ने एक टेम्पल बनाया हुआ है जिसमें अंदर जी आप देखेंगे कि शिवलिंग जी हैं, उनकी मूर्ति भी है, बाहर हमारे नंदी महाराज, गणेश भगवान, ये सब ही बैठे हुए हैं। इसी के साइड में यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स भी हैं, ये देखिए। अब जैसा आप सभी को मालूम है कि यहाँ ये पूरा क्या है, समुद्र के नियर है। अब समुद्र के नियर है तो नॉर्मल कैसा है, यहाँ पर जो हमारी सीट की चीज़ें होंगी, मूर्तिज, ये सारा सामान बहुत ज़्यादा मिलेगा। और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए जो सीट है इसके अंदर पर ही मूर्ति है, दिख रहे हैं आपको इस पर छोटे छोटे, ये देखिए। तो समुंदर की एक ख़ास बात है कि यहाँ पर सीप होते हैं और उन पर आपको मोती मिल जाते हैं, इसकी आप ज्वेलरी, बैंगल्स कुछ भी बनाकर पहन सकते हैं। रियल मूर्ति, रियल मूर्ति का बेस्ट। ये देखिए, ये जो भैया है बता रहे हैं रियल मूर्ति का बेस्ट क्या क्या बनाया जा सकता है। रियल मूर्ति ग्लास में बेस्ट, ये देखिए। और उसका ओरिजिनल ऐसा होता है, निकलता है, टेस्ट भी करके बता रहे हैं। रियल मूंगा क्या है, बेस्ट रियल मोती शॉप की तरह। नहीं निकला, यानी ओरिजिनल उस पे भी भैया बता सकते। ये गोल्ड, गोल्ड लेना, ये हाँ गोल्ड पे दिखेगा, गोल्ड बेस्ट। हाँ मल्टी क्या हुआ, ये खराब हो जाता है, इससे कैसा होता है? थोड़ा सा बड़ा साइज, इतनी सारी वैरायटी है, हालांकि मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है, लेडीज आइटम ज़्यादा है। माई होप मम्मी दीदी ये लोग कुछ थोड़ा इस पर आइडिया दे पाए। दोस्तों यहाँ पर शॉप पे ना क्या छोटा सा शंख मिला है, मैंने नॉर्मली पहले से सोचा कि इसे क्या कहते हैं, बजाकर देखूंगा, बट इतना छोटा है ये बजेगा ही नहीं। हाँ बट भैया जो अभी दिखा रहे हैं ना वो कुछ बजा कर वैरायटी वाइज पे, और सभी शंख भी क्या है नाम पर भी बता रहे हैं कि अलग अलग नाम भी है। आवाज़ ये इसका सही बताया, नहीं नहीं लक्ष्मी। दोस्तों अब हम लोग आए हैं विष्णु भगवान के मंदिर में, तो मम्मी क्या है उनके बारे में कुछ थोड़ा सा आपको एलिबरेट करेंगी, बताएंगी। बताइए मम्मी विष्णु जी के बारे में। हम लोग रामेश्वरम आए हुए हैं, रामेश्वरम से हम लोग सेतु बांध के देख कर आए हैं। सेतु बांध तो दिखता नहीं, पानी में डूबा हुआ है कुछ नहीं, बस पानी ही पानी नजर आता है वहाँ पे। वहाँ से लौटे हम लोग तो कौन सा है, धनुषकोटी। धनुषकोटी में पूरा खट्टा हो चुका है, वहाँ कुछ भी नहीं है, ये कि थोड़ा बहुत सामान दिखते हैं, संग मोती का थोड़ा बहुत सामान दिखता है, वो जिसको शॉपिंग करना तो कर सकता है। फिर वहाँ से हम घर लौट कर यहाँ विभीषण मंदिर आए हुए हैं, जैसे रावण के छोटे भाई थे उनके दर्शन किए हैं, और अभी भी यहाँ चारों तरफ समुद्र नजर आ रहा है। बस यही है। कौन थे विभीषण? रावण के छोटे भाई थे। क्या किया था, क्या किए थे वो? तो मैंने रामचंद्र अपने पुत्र को बहुत समझाए थे, रावण जी को सीता जी को वापस कर दें,
थे ना वो इसलिए, और वो अनादर नहीं करना चाहते किसी का, यानी गलत काम नहीं करना चाहते इसीलिए। और रावण एक स्त्री को यानी अपहरण करके लाया माता जी को, तो वो तो गलत ही किया था ना, इसलिए वो उनका पहले तुमने समझाया कि ये माँ है आप उनको वापस कर दो रामचंद्र जी, वो नहीं माने और उसने विषय का अनादर करने लगे। फिर वो जाके रामचंद्र जी से मिल रहे, तो फिर क्या है कहते ना घर का भेदी लंका खाने वाला हिसाब है। फिर विषय ने रावण की सारी यानी बता दिया के अंदर उसको क्या क्या गुण है क्या क्या नहीं है, क्या तुम्हारे उनके पास ज्ञान है बस। आपने जो मम्मी ने कहा घर का बेदी लंका डाय, उसका मतलब क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली क्या था जो मम्मी का कहने का ये मतलब था कि इन्हें आप जैसा रावण ने किया है सीता भगवान को लेकर, सीता माता जी को लाकर और उनके साथ गलत किया, तो इन्होंने क्या किया अपने भाई का साथ ना देकर उन्होंने सही बंदे का साथ दिया जो हमारे राम जी थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें बहुत समझाया एंड ऑन फिर उन्होंने जाकर क्या कहते हैं राम भगवान के साथ मिलकर अपने जितने भी पूरे कुल सबका पूरों का उन्होंने क्या है मोक्ष करवा दिया। तो ये बहुत बड़ी सीख है, इसलिए हमेशा जो गर्ल्स होती है उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेंपल के अंदर क्यों नहीं जा सकते हम अपना कैमरा लेके, साउथ में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, आपको हर जगह फ़ोन बाहर ही रखना पड़ता है, देन ही आप अंदर पे एंटर कर सकते हो। तो चलो अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली सुबह से घूमते अब क्या है अपन अपने होटल के डेस्टिनेशन पर आ गए हैं, ठीक है। और अब ये व्लॉग को यहाँ ख़त्म करने का भी टाइम आ गया है, आप इन लोगों को देखोगे मम्मी लोगों को, ये लोग कैसा है जैसे मजदूर की दिहाड़ी ख़त्म होती है ना और उसके बाद ये लोग फ्री होते, देखो कैसे टायर्ड बैठे हुए एकदम, बाहर अभी ऊपर रूम भी नहीं गए, ये हालत इतना थक गए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। हाँ टूरिस्ट प्लेस नहीं है ये, नहीं स्पिरिचुअल प्लेस है, आपको इधर आना चाहिए विद फैमिली आना चाहिए। आधे लोग तो वो तीर्थ स्थान होता है ना जो बुजुर्ग लोग बेसिकली वो इसलिए आते हैं, बट मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने बुढ़े होने का वेट मत करो इन जगहों को घूमने के लिए, आप समय से पहले आ जाओ, क्योंकि एक समय के बाद क्या होगा आपके पास पैसा तो होगा और इवन टाइम भी होगा, बट इन जगहों को घूमने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी ना वो आपके पास नहीं होगी। तो जितना कम एज पर विथ मनी और टाइम को थोड़ा कोलैब करके अगर आप यहाँ पर आ सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है। प्लीज़ अपनी एंड ऑफ द एज 60s का वेट मत करिए, वरना आप इधर आकर आपको वो इंजॉयमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि आप इंजॉय कर ही नहीं पाओगे, फिर वो क्या है लकड़ियों पकड़ के बुड्ढों की तरह दौड़ लगाओगे कोई मतलब नहीं है, फिर आपको कोई लाइन में धक्का दे देगा। तो इसलिए अच्छा अभी आओ वो ज़्यादा बेस्ट है, कोशिश करो अपना फाइनेंशियल गोल वैसे प्लान करो, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो आपको जैसा पता है शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करना और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना, जैसा कि मैं आप सभी को कहता हूँ, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खुश रहोगे आपकी लाइफ उतना ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। ऐसा होता है ना जो हम सोचते वही होता है कई बार, और कई बार नहीं सोचते हैं तो कुछ और होने लगता है। वो हरिवंश राय की एक कहावत है यानी लाइन है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। जो हमने सोचा है अगर वो होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो और भी अच्छा है, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए कुछ ना कुछ और भी अच्छा सोचा होगा। तो फ्रेंड्स बाय बाय, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।